आज मैं जाऊंगा हॉस्पिटल एम्बुलेंस में। और सूना बिल्कुल तैयार खड़े हैं अपनी पहली जल्दी पहुंच के खत्म करो। मेरा भी क्या होगा? नहीं बेटा, स्नैक्स सिर्फ मेरे लिए हैं। तुम अगर सोने से पहले खाओगे तो पेट खराब हो सकता है, समझे? यकीन मानिए, मेरा पेट बिल्कुल भी खराब नहीं होगा डैड। नहीं नहीं, अब तुम्हें जाकर सोना चाहिए। वो हमारी बात इतनी आसानी से तो नहीं मानता। पर कभी कभी बात मान भी तो लेता है ना। वो इतनी आसानी से मान रहा है, कुछ गड़बड़ लग रही है। अभी तक सूना के टीम के सिर्फ 4 रन हुए हैं और उन्हें जीतने के लिए 6 रन और चाहिए। और ये शानदार स्ट्रोक, ओ नो, सूना का कैच पकड़ लिया गया है और वो टीम के हाथ से निकलता जा रहा है। वैसे भी खेल के बारे में कभी कुछ नहीं कहा जा सकता, इसमें कोई भी जीत सकता है और कोई भी हार सकता है। बाजी कभी भी किसी भी पल पलट सकती है। मैच अपने अंतिम क्षण में पहुंच चुका है। अब किसी भी पल कोई भी टीम जीत सकती है या हार सकती है। ये वाला भी। शिन चैन बेटा। आधी रात को क्या हो गया इसे मुझसे? शिन चैन, तुम्हें क्या हुआ? मेरा पेट। तुम्हारे पेट में क्या हुआ है बेटा? पेट में दर्द हो रहा है। सुनिए हैरी, जरा शांत हो जाओ मिच्ची। शिनचैन, क्या तुम टॉयलेट जाना चाहते हो? शायद। अच्छा शिनचैन, ये बताओ तुम्हारे पेट में दर्द कब से हो रहा है? सोने के बाद से। अजीब लग रहा है मिच्ची, मुझे ये सिर्फ पेट दर्द नहीं लगता। आपका मतलब फूड पॉइजनिंग या फिर कहीं कुछ और तो नहीं है? तुमने कहीं कुछ गलत तो नहीं खाया बेटा? मैंने तो बस आज का डिनर खाया था मॉम। बस। और उसके अलावा? उसके बाद मैंने जूस पिया था और पोटैटो चिप्स और चोको चिप्स और आइसक्रीम खाई थी मॉम। और हाँ, थोड़ी एप्पल जेली भी खाई थी। और क्योंकि इन चीजों से मेरे दांत खराब होते हैं तो मैंने माउथ फ्रेशनर भी लिया था। इतना सब तुमने कब खा लिया बेटा? ये तुमने क्या कर दिया बेटा? शिनचैन, तुम ठीक हो ना? सब ठीक हो जाएगा बेटा। अब हमें क्या करना चाहिए? ऐसा करते हैं, इसे कोई दवाई दे देते हैं, क्यों ठीक है ना? नहीं, दवाई देने या खुद इलाज करने से बेहतर होगा इसे डॉक्टर के पास ले जाना। मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ। क्या कह रहे हैं हैरी? ये एम्बुलेंस। ओ मेरा बच्चा। जल्दी करो, इसे बस अचानक ही पेट में दर्द होने लगा। फिर तो इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना ही ठीक रहेगा। मुझे दर्द। हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। मुझे ऐसे हॉस्पिटल में लेके जाना जहाँ खाना टेस्टी होता हो। आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए बिल्कुल। ये तो बस नींद में बड़बड़ा रहा है, जरूर कोई सपना देख रहा होगा। जल्दी कीजिए प्लीज। मैंने घर की चाबियाँ यहाँ रखी थी। ओहो, हाँ, पर वो चाबियाँ तो यहाँ पर है नहीं। मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ कि प्लीज देर मत कीजिए। चलो शिनचैन उठो, हम हॉस्पिटल जाएंगे। अच्छा बेटा। अरे ये रोबोट तो यहीं छोड़ दो बेटा। शिनचैन, थोड़ा हौसला रखो, तुम ठीक हो जाओगे बेटा। अरे शिरो, शिनचैन ठीक है, तुम घर जाओ और घर की देखभाल करो शिरो। हम्म,
डॉक्टर साहब बताइए ना इसे क्या हुआ है। ये सब कुछ ज्यादा खाने की वजह से हुआ है और कुछ लक्षण डिहाइड्रेशन के भी हैं। पर चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन हॉस्पिटल में रहेगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हॉस्पिटल में? अरे तो इसमें इतना घबराने की कौन सी बात है मिस्सी, 2-3 दिन की तो बात है बस। अंदर आ जाइए। सुनिए डॉक्टर, बेड का इंतजाम हो गया है तो क्या अब हम इसे वार्ड में ले जा सकते हैं? अब तुम्हें इस बेड पर शिफ्ट करेंगे, ठीक है? हाय दीदी, ये बताइए कि आपको शिमला मिर्च खाना पसंद है? शिमला मिर्च? हाँ पसंद है, लेकिन आप बिल्कुल मेरी जैसी हैं। मगर सच कहूँ तो मुझे सरसों का साग ज्यादा पसंद है। क्या आप यहीं रहती हैं? नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रहती। वैसे तुम बहुत प्यारे बच्चे हो। बातें बनाना बंद करो, अब इसे जल्दी से यहाँ से लेकर जाओ। ठीक है, माफ कीजिए। अगर आप कल फ्री हैं तो आप मेरे साथ सुबह खेलने के लिए चलेंगी? एक बार बस मैं ठीक हो जाऊँ तो हम साथ में शिमला मिर्च खाएंगे पक्का। अगर ये इतनी बातें कर रहा है तो इसका मतलब ये ठीक है। तुम बिल्कुल सही कहती हो शिनचान, पूरी तरह से ठीक है। पता है मुझे क्या पसंद है? एक्शन का मेन और उसके कारनामे, और हाँ साथ में चोको चिप्स भी। मैं तो हॉस्पिटल में भी मशहूर हो गया। ये क्या, मुझे तो बहुत देर हो गई है। जब तक वो सो रहा है उतनी देर में ही मुझे घर से उसके कपड़े लाने हैं, क्योंकि जागते उसे अकेलापन महसूस होगा। माँ मुझे आपकी याद आ रही है, मैं अकेला हूँ। मुझे बहाना देखकर वो बहुत रोएगा। शिनचैन थोड़ा इंतजार करो बेटा, मॉम जल्दी तुम्हारे पास आ जाएंगी। शिनचैन मॉम जल्दी ही तुम्हारे पास होंगी, बस रोना मत, मेरा इंतजार करना बेटा, मैं आ रही हूँ बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू शिनचैन, मैं आ रही हूँ बेटा। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू शिनचैन, बेटा शिनचैन। हाँ हाय दीदी, मैं उठ गया, गुड मॉर्निंग। ये बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं कर रहा। ये मॉम हम बड़े खम्बे समय बाद मिले हैं। खम्बे समय नहीं बोलते, लंबे समय बोलते हैं। एक ही बात है। सारी बातें छोड़ो बेटा, ये बताओ तुम ठीक हो? अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा मॉम। फर्क नहीं पड़ा? क्योंकि मुझे चॉको चिप्स खाने को नहीं मिले। देखो मॉम, तुमसे जिस बारे में पूछ रही है वो है तुम्हारी तबीयत। इसका मतलब है अब तुम्हारे पेट में कोई दर्द नहीं है। क्यों, मैंने ठीक कहा ना शिनचैन बेटा? अब मेरे गालों में दर्द है। सुनिए मॉम, आप मेरी इतनी भी फिक्र मत कीजिए प्लीज। कैसी बातें करते हो बेटा, तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करूँगी तो किसकी करूँगी? मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए। मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रही। हाँ, ऊँचा बोलने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं, ये लो स्टोरी बुक। और ये रहा तुम्हारा फेवरेट रोबोट, कैसा लगा? अब इस रोबोट के साथ सो जाओ। मॉम अभी मेरे साथ सो जाइए ना। क्या, मैं यहाँ कैसे सो सकती हूँ बेटा? प्लीज मेरे साथ सोइए, मेरे साथ सोइए प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। देखो अब मैं तुम्हें लोरी सुनाती हूँ। शिनचैन बेटे सो जा, प्यारे बेटे सो जा, मॉम लोरी सुनाएगी, शिनचैन को नींद आएगी, प्यारे बेटे। शिनचैन बेटा सो जा। मॉम तो सो गई। हाँ वो इसलिए क्योंकि वो रात भर तुम्हारा ध्यान रख रही थी। हे तुम कहाँ जा रहे हो शिनचैन? अब डॉक्टर आप सबको देखने आए हैं। अब ये बताइए आपको कैसा लग रहा है? हमेशा की तरह मेरे सिर में दर्द है और मुझे भूख भी बहुत कम लगती है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप शिनचैन की मॉम है ना? सही कहा, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब क्या हो रहा है? अरे असली पेशेंट कहाँ है? जानते हो ना मैं कितना बिजी रहता हूँ। मेरे साथ अरे छोड़ो मुझे, अरे ऐसा मत करो। देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो जल्दी जाकर अपने बेड पर लेट जाओ। जल्दी करो, नर्स उसे फौरन मेरे पास लेकर आओ। आप हैं डॉक्टर अंकल, तो अब आपकी तबीयत कैसी है बताइए। हाँ?
अच्छा अब अपनी कमीज ऊपर करो और पेट दिखाओ। देख लो, देख लो, देख लो, देख, ध्यान से देखो। इसे समझाइए प्लीज। शिनचैन अपना पेट अच्छी तरह से दिखाओ। देख लो, ध्यान से देख। अच्छा ये बताओ तुम्हें दर्द कहाँ पर हो रहा है? मैं सब भूल गया डॉक्टर अंकल। मतलब तुम्हारा पेट खराब नहीं है? क्या आप मेरे लिए गाना गाएंगे डॉक्टर अंकल? मैं थोड़ा बोर हो रहा हूँ। नहीं बेटा, डॉक्टर अंकल से ऐसी बात नहीं करते, ये तो तुम्हारे इलाज के लिए आए हैं। आपको गाना भी नहीं आता? मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे और भी पेशेंट्स को देखना है, समझे? शिनचैन अब बताओ तुम्हारा पेट का दर्द कैसा है? मेरे पेट में अब बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है, मुझे तो भूख भी लग रही है। तो क्या आप मेरे लिए थोड़ा खाना लाएंगी? फिर उसके बाद मैं आपके लिए नाचूंगा कूदूंगा और गाना गाऊंगा। मुझे अब ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। देखिए मैडम, अब ये पूरी तरह से ठीक लग रहा है, आप चाहें तो कल इसे अपने घर ले जा सकती हैं। हाँ, क्या कहा, कल? हाँ बिल्कुल। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, शुक्र है तुम ठीक हो गए। मैं अभी तुम्हारे डैड को फोन करके आती हूँ। मैं अभी आई। ये तो काफी अच्छी खबर है, पर तुम चले जाओगे तो हम सब अकेले हो जाएंगे। खैर प्लीज तुम ये ले लो। और ये मेरी तरफ से। और ये तोहफा मेरी तरफ से। ये तोहफा ले लो शिनचैन, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं जरूर लूंगा। डॉक्टर ने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ठीक है हैरी, अब मैं फोन रखती हूँ। अरे योशिना का मैम, आप और तुम सब भी आए हो? हाँ बिल्कुल आंटी, आखिर वो हमारा दोस्त है। हाँ क्यों नहीं बेटा। अब शिनचैन कैसा है? अब वो बिल्कुल ठीक है। अब उसकी तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है और कल वो घर जा सकता है। पता है डॉक्टर ने कहा है कि अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है। वाह ये तो अच्छी बात है। आप सबको यहाँ देखकर शिनचैन बहुत खुश हो जाएगा। हाय। देखकर तो लगता है ये ठीक हो गया। आपने सही कहा। ये भी ये फिर से कैसे बीमार हो गया? मुझे तो लगता है तोहफे के तौर पर मिली सारी मिठाई अकेले ही खा गया। डॉक्टर साहब भी ज्यादा मिठाई खाने की वजह से फिर से बीमार पड़ गया। और डॉक्टर इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसे ठंड भी लग गई है। हाँ हो सकता है। प्लीज जल्दी से कोई एम्बुलेंस बुलाओ। प्लीज साथ में एक्शन कामिन को भी बुला लेना। Bye!